नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक एक महान शासक थे। उनके बारे में पढ़ने से पहले देख लेते हैं इस अध्याय में आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम इस अध्याय की शुरुआत सलाफा के नोट से करेंगे, उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में चर्चा शुरू करेंगे, साथ ही एक राज्य और साम्राज्य तथा सम्राट अशोक का प्रशासन, इन दो बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बच्चों, सलाफा नोट को बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नज़र नोट पर चित्रित अशोक स्तंभ पर पड़ी। उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, नोट में यह स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है? यह स्तंभ कहां और इसे किसने बनवाया? तब सलाफा के पिता ने सलाफा को सम्राट अशोक की कहानी बताई। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक था। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में पाई जाती हैं। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी दो प्रमुख साहित्य स्रोतों से भी मिलती है, जिसमें एक चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य, अर्थात जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र के द्वारा मिलती है, और दूसरा मेगास्थनीज, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। बच्चों, ये मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत आया था। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे, जिन नगरों में उज्जैन तथा तक्षशिला प्रमुख नगरों के रूप में जाने जाते थे। मानचित्र में त्रिकोण के ये चिन्ह इन नगरों को दर्शाते हैं। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। साम्राज्य के नगरों में व्यापारी, सम्राट के अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य में कई गांव थे जहां किसान और पशुपालक रहा करते थे। इसके अलावा मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहां के लोगों की आजीविका फल फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करने से चलती थी। साम्राज्य में भाषा, भोजन और पोशाकों में भी काफ़ी विभिन्नताएं थी। अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, उनका अलग अलग पहनावा था तथा भिन्न प्रकार के भोजन करते थे। मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों से टैक्स इकट्ठा करते थे, टैक्स अर्थात कर वसूलते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले को अधिकारी सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक
एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य कई छोटे क्षेत्रों या फिर प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय इनकी संख्या 5 थी। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ज़्यादातर पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों तथा नदियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते थे। वे यहाँ से संसाधन कर और भेंट को एकत्रित करते थे। बच्चों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कंबल तथा दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। संभव है कि यहाँ के लोग इन संसाधनों को नजराने के रूप में शासक को देते थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने इस अध्याय की शुरुआत सलाफा के नोट से की, उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में चर्चा की, साथ ही दो बिंदुओं, एक राज्य और साम्राज्य, सम्राट अशोक का प्रशासन, इन पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत कलिंग युद्ध, अशोक का धम्म, प्रांत एवं राजधानी, प्रांतों के लिए अशोक के संदेश, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।